हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव सड़क की लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अच्छा करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपकी इस रिलेशनशिप की करंट एनालिसिस, ठीक है। करंट में आपके रिश्ते में क्या चल रहा है और आज से 1 साल के बाद आपका ये रिश्ता कैसे रहने वाला है, ठीक है। देखते क्या निकल के आता है। एकदम हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, जितना पे ध्यान ना दे। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है और कलेक्टिव के एनर्जीज होती है, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। जो रेजोनेट होता है उसे रखे, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। अगर आप वो सालों से महीनों से इंतजार कर रहे हैं आपके पार्टनर के एक्शन का और एक्शन नहीं आ रहा है, डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत होती है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करना, ठीक है। ट्रू मैसेज यूनिवर्स हमें इनके रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज बताएं। करंट में इनके रिश्ते में क्या चल रहा है, करंट में इनके रिश्ते में क्या चल रहा है। झगड़े चल रहे हैं। आपके पार्टनर जैमिन लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि के हो सकते हैं। यस डेफिनेटली स्टॉकिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा है आपके तरफ से भी, आपके पार्टनर की तरफ से भी। और जो कि किसी बात को लेकर करंट में आपकी अनबन चल रही है, नो कॉन्टैक्ट के झगड़े चल रहे हैं और जो कि बहुत गुस्सा हो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर। इस रिलेशनशिप को आपने डिवाइन पे सरेंडर कर दिया है, जो कि अब ना तो आपके पार्टनर आपके लिए एफर्ट्स लगाते हैं और ना ही आप इनके लिए एफर्ट्स लगाते हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात की उम्मीद है कि आज नहीं तो कल लेकिन रिश्ता ठीक तो होगा, सब ठीक होगा, मेरा प्यार सच्चा है और जो कि मेरा यही पर्सन मेरी डेस्टिनी में लिखा है मेरी ज़िंदगी में डेफिनेटली वापस आएगा। सेम फीलिंग्स आपकी और आपके पार्टनर की है। यहाँ पे आपके पार्टनर और आप दोनों इस रिलेशनशिप से जैसे कि ना चाहते मौन हुए हो, मतलब आपका भी दिल कभी नहीं किया इनसे जाने का, लेकिन आपको ज़बरदस्ती से आपके पार्टनर ने अपने ज़िंदगी से ऐसे निकाल कर फेंक दिया है, ये हो सकता है। और आपके पार्टनर इनकी इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी, ना तो ये कभी आपसे झगड़ा करना चाहते थे और ना ही ये कभी आपको छोड़कर जाना चाहते थे, लेकिन ये गए। करंट में यही है, ना चाहते हुए रिश्ता टूटा है और दोनों एक दूसरे से दूर हुए हो, और जो कि चीटिंग वाली एनर्जीज आपके पार्टनर ने आपको दी है। आपके पार्टनर आपको छोड़कर भाग चुके हैं और किसी और के लिए इन्होंने आपको चीट किया, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए हो सकता है, अपने घर वालों के लिए हो सकता है, या तो अपने जॉब प्रोफेशन के लिए हो सकता है, अपने सक्सेस के लिए हो सकता है, लेकिन आपके पार्टनर आपको छोड़कर भागे ज़रूर है। इनका दिल नहीं कर रहा था, लेकिन इनका दिल नहीं कर रहा था आपको छोड़कर जाने का, लेकिन ये हुआ इसी वजह से है क्योंकि इनको आपका प्यार जो कि रियल वाला, जो कि इनको लगा था जिस तरह से मैं प्रैक्टिकली लव कर रहा हूँ वैसे ही मेरा पार्टनर भी प्रैक्टिकली लव करेगा, लेकिन वैसा तो कुछ नहीं हुआ। आपने तो दिल से प्यार कर लिया, और जो कि इनको ये अच्छे से पता है कि आपकी फीलिंग्स ट्रू थी, प्यार सच्चा था, जो कि मैं इससे भागकर बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन यस मुझे जाना तो पड़ेगा। तो दिल नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपसे भागे है, और जो कि आपको इस बात का इतना तकलीफ हुआ है कि बस आपको अभी करंट में इनसे रिवेंज लेने का दिल करता है। भले तू गया है मुझे छोड़ के, मुझे यकीन है कि मेरे जैसा प्यार तुझसे कभी कोई नहीं करेगा, तू जा तू पछताएगा ज़रूर और लौटकर तू वापस मेरे ही पास आएगा, लेकिन आपको इनका बहुत ज़्यादा गुस्सा है। ये जब भी आपके पास आएंगे ऐसे नहीं कि आप इनके जैसे कि रो रो के इनके गले लगोगे और जो कि पछताओगे और जैसे कि सब गलतियां माफ और जो कि अब हम रिश्ते में फिर से आ जाते हैं, आप ऐसा कुछ नहीं करने वाले हो। करंट में आपका बस इतना है, करंट पे आप अपने फाइनेंसेस के ऊपर फोकस्ड हो, अपने करियर के ऊपर फोकस्ड हो। हो सकता है कि फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आप फोकस कर रहे हो ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, अपने प्रैक्टिकल लाइफ को अच्छा करने के लिए, और आपके पार्टनर आपके बैक ऑफ द माइंड चलते रहते हैं करंट में, जो कि चाहे जो हो जाए लेकिन इस पर्सन के साथ रिवेंज लेना ही है, ऐसे है। इजीली आप नहीं करने वाले आप इनको, करंट में आपको बस यही लगता है मैं तो एफर्ट्स भी नहीं लगाऊंगी, इससे बात भी नहीं करूंगी, इसको आना है तो आए, जाना है तो जाए, इस तरह से, ठीक है। लेकिन दिल आपका, आपके दिल को ये पता है कि ये कहीं पर भी भागे ये लौट कर आप ही के पास वापस आएंगे। इस तरह के आपके एनर्जी से आपके पार्टनर एरिलियो सजेस में सिंह धनु राशि के भी हो सकते हैं। नंबर 1, 4, 6, 7, 9 आपके आपके पार्टनर के बर्थ डेट में हो सकता है, ठीक है। और यस, जिनको ये फील हुआ करंट एनर्जीज की यस ये मेरी एनर्जीज है, तो ये रीडिंग आप ही के लिए, ओके। तो हम चेक करते हैं आपका ये रिश्ता अगले 1 साल के बाद कैसे हो सकता है, 1 साल के बाद आपके रिश्ते में क्या चेंजेस आने वाले हैं, 1 साल के बाद आपका ये रिश्ता कैसे हो सकता है। ट्रू मैसेज यूनिवर्स हमें इनका रिश्ता 1 साल के बाद कैसे हो सकता है। करंट में जो इतनी नेगेटिविटी चल रही है, क्या होगा इनका फ्यूचर 1 साल के बाद, इनका क्या हो सकता है इस रिश्ते का,
एक साल के बाद इनके रिश्ते का क्या हो सकता है, आफ्टर वन ईयर इस रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। वाओ, किंग ऑफ कप्स, एक साल के बाद आपके पार्टनर आपके पास आ चुके होंगे, इन्होंने आपको अपने प्यार की सारी बातें, अपने दिल की सारी बातें शेयर कर दी होगी, और जो कि चांसेस स्ट्रांग है इन्होंने आपको मनाया होगा, जिस रीज़न के लिए करंट में आप इनको मना कर रहे हो, जो कि आपके साथ करंट में भी अगर ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, और आप जो कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इनको रिजेक्ट कर रहे हो, इनकी बात सुनने के लिए मना कर रहे हो कि नहीं मैं तो नहीं, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद अगर मैं तेरी बातें सुनूंगी तो, उससे बेटर है कि मैं मेरी लाइफ में खुश रहूंगी। ऐसा अगर आप कुछ इनको एनर्जीज करंट में दे रहे हो ना, तो फ्यूचर में आप इनकी बात मानते हुए दिखाई दे रहे हो, फ्यूचर में आपका रिश्ता मुझे स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर ने आपके ऊपर जीत हासिल की होगी, आप दोनों ही अपने फाइनेंसेस के ऊपर अच्छे से आगे बढ़ चुके होंगे, और जो कि दोनों ही एक दूसरे को खोना नहीं चाहोगे, ये एनर्जीज रहने वाली है, चांसेस स्ट्रांग है, आप फ्यूचर में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनने वाले हो। करंट में अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, रोते रहते हो इनके लिए, तो फ्यूचर में आप नहीं रोओगे, फ्यूचर में आपका हार्ट बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है मुझे, और जो कि आपके अंदर एक अलग टाइप का ईगो रहने वाला है, और जो एनर्जीज करंट में आपकी है ना, जो कि आप इनसे रिवेंज लेना चाहते हैं लेकिन आपका दिल आज भी इनके लिए रोता है, तो वही एनर्जीज ट्रांसफर हो रही है। आफ्टर वन ईयर आपके पार्टनर आपके लिए रोएंगे या आपके लिए तरसेंगे या आपको मनाकर इस रिश्ते में आ जाएंगे, और आपको फिर से इनसे प्यार हो जाएगा, और आप दोनों एक दूसरे को खोना नहीं चाहोगे, लेकिन आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस रहेगा, एक अलग सा ईगो रहेगा, एटीट्यूड रहेगा, जो आपके पार्टनर में करंट में मौजूद है, वो आपके अंदर आ रहा है, मतलब कि आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर की होने वाली है और आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपकी होने वाली है आज से एक साल के बाद। यस, दोनों को एक दूसरे की वैल्यू रहेगी, रिस्पेक्ट रहेगा, और जो कि टावर आपकी ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेडली होगा, मतलब आपको पता भी नहीं होगा, और जो कि आपका रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा, आपके पर्सन ने आपको जो भी डिस्टेंस दिया है, जो भी आपको छोड़कर जा चुके हैं, वो सब कुछ ठीक होगा। टावर का कार्ड ये भी शो करता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है अनएक्सपेक्टेडली, जिस जैसे कि आपके पार्टनर ने आपको टावर दिया था, आपको छोड़ के गए थे पहले पास्ट में किसी और के लिए, तो हो सकता है कि उस टाइम पे जैसे कि आप इस रिलेशनशिप में जाओ, रेडी भी हो जाओ, रिश्ता स्टार्ट भी हो जाए, लेकिन सडनली आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन एंटर कर ले जो कि आपको आपसे पार्टनर से बेटर लगेगा, जो कि आपको आपके पार्टनर से बेटर लगेगा, उसका फाइनेंस हो सकता है कि उसका फाइनेंस, उसका लुक, ओवरऑल वो पर्सन आप हर एक मायने में आपके पार्टनर से बेटर होगा, और जिसकी तरफ आप मुझे एक साल के बाद अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो, मतलब कि इनके साथ रीयूनियन भी होगा, और जो कि आप कहीं और डाइवर्ट हो रहे हो फ्यूचर में, टावर दे रहे हो आप अपने पार्टनर को, या आपके पार्टनर की साइड है आपकी साइड है, आप अपने पार्टनर को फ्यूचर में एक साल के बाद टावर देते हुए दिखाई दे रहे हो, और वो भी जो कि मैंने बोला आप करंट में रिवेंज लेना चाहते हो, तो हो सकता है कि आपके अंदर उस टाइम पे इतना कॉन्फिडेंस रहेगा, जैसे कि इमोशंस आपके अंदर नहीं रहेगा, आप बहुत ज़्यादा रूड बन जाओगे, तो आपको ये रिवेंज लगेगा कि देखा, दिखा दिया मैंने, तूने क्या सोचा था कि तेरे लिए ज़िंदगी भर रोती रहूँगी, देख तुझसे भी बेटर ऑप्शन मुझे भगवान ने दे दिया। आपको उस टाइम पे ऐसा लगेगा, और ऐसा इसीलिए लगेगा, पता है क्यों? क्योंकि आपके लिए ना जो रोमांट जो प्यार है ना करंट में इनके लिए, वो फ्यूचर में ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है मुझे। इस पर्सन ने आपके साथ किया ही वैसे है, और उनको तब तक ही रियलाइज़ हो जाएगा, आपके प्यार की वैल्यू समझ में आएगी, और तभी आपके पास आएंगे, लेकिन तब तक इन्होंने आपको इतना चेंज कर दिया होगा कि आपको मतलब रोना वोना भी नहीं आता, रोना भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ आपके पार्टनर है आपके लिए इमोशंस, आपके पार्टनर है आपके सामने जैसे कि इमोशंस दिखाते हुए रोते हुए दिखाई दे रहे आज से एक साल के बाद। आप इनको 100% छोड़ोगे, आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए थे, लेकिन फ्यूचर में आप इनको छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत अच्छा पर्सन एंटर करने वाला है आज से एक साल के बाद, आपके पार्टनर से 100 गुना बेटर, और जो कि जहाँ पर आप खुद डाइवर्ट हो रहे हो, आप खुद वहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे हो फ्यूचर में, ठीक है। हम चेक करते हैं इस वक्त आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो इस वक्त भी आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, लेकिन जो कि एक्शन नहीं ले रहे, एक्शन इसी वजह से नहीं ले रहे क्योंकि हैंग डे इनको समझ में नहीं आ रहा है, एक्शन लेकर आपको बोलूँ क्या। इन्होंने आपके साथ जैसे कि मैंने बोला, इन्होंने आपको टावर दिया था, इन्होंने आपको चीट किया था, धोखा दिया था, और थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़कर चले गए थे, इस तरह से आपको रोता छोड़कर चले गए थे, तो इनको ये सारी बातें इस तरह से फील हो रही है करंट में, तो इसके बदले सिर्फ सॉरी नहीं हो सकता, इनको अच्छे से पता है,
हैंगमैन यही शो करता है कि इन्होंने आपके इस रिलेशनशिप को डिवाइन पे सरेंडर कर दिया है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला करंट एनर्जीज में भी व्हील ऑफ फॉर्चून आया था कि दोनों ने इस रिलेशनशिप को डिवाइन पे सरेंडर किया है। ठीक है, तो करंट में इसी वजह से आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन दिल से आपको सॉरी तो बोलना चाहते हैं। ठीक है, तो यस यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।